हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज की हम बात करने वाले हैं रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 टीथ ब्लैक के लोन एंड ईएमआई के बारे में। किस्तों में ये बाइक आप कैसे लें, क्या कुछ फाइनेंस की जो है प्रोसेस होती है, कंप्लीट डिटेल्स दूंगा मैं आपको। अलग अलग जो है डाउन पेमेंट्स के अनुसार अलग अलग ईएमआई ऑप्शंस आपको डिटेल में बताऊँगा, क्या कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कम्प्लीट प्रोसेस बताऊँगा आपको क्या होता है लोन का इस बाइक के बारे में। 2,50,000 रुपये इस बाइक का जो है ऑन रोड प्राइस हो गया है फिलहाल दिल्ली के अंदर। तो लगभग 2,50,000 रुपये की आपको कैश में पड़ रही है बाइक, कितनी किस्तों में आपको महंगी पड़ेगी सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो मैं शोरूम से बनवा के ले आया था भाई किस्तें वगैरह इस बाइक की अच्छे से सारी, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो मैं इसके साथ जोड़ देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये बाइक आपको किस्तों पर कैसे पड़ेगी, तो वो वीडियो आप देख लीजिए। तो ये देख लीजिए क्लासिक 350 टीथ ब्लैक, इसका जो ऑन रोड प्राइस है फिलहाल दिल्ली के अंदर वो 2,49,700 रुपये है। अगर आप डाउन पेमेंट करते हो 30,200 रुपये की तो आपको 2,100 रुपये की 12 किस्तें पड़ेंगी, 10,800 रुपये की आपको 24 किस्तें पड़ेंगी, 7,820 रुपये की आपको 36 किस्तें पड़ेंगी, 6,280 रुपये की आपको जो है 48 किस्तें पड़ेंगी अगर आप 30,200 रुपये की डाउन पेमेंट करते हो तो। और इसमें जो फाइल चार्ज लगेगा वो अलग लगेगा आपका 3,000 रुपये, ठीक है ना। और अलग दूसरी डाउन पेमेंट के अनुसार मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप 75,400 रुपये की डाउन पेमेंट करते हो तो 15,900 रुपये की आपकी 12 किस्तें बनेंगी, 8,640 रुपये की आपकी 24 किस्तें बनेंगी, 6,220 रुपये की आपकी 36 किस्तें बनेंगी, 5,000 रुपये की आपकी 48 किस्तें बनेंगी। अगर आप डाउन पेमेंट करते हो 1,25,700 रुपये की तो 11,200 रुपये की आपकी जो है 12 किस्तें बनेंगी, 6,110 रुपये की आपकी 24 किस्तें बनेंगी, 4,310 रुपये की आपकी 36 किस्तें बनेंगी, 3,505 रुपये की आपकी जो है 48 किस्तें बनेंगी। और ये मैं शोरूम से बनवा के ले गया था बिल्कुल लेटेस्ट, ये देख लो आप, यहाँ पे आपको डेट वगैरह भी जो है दिख जाएगी। तो इस तरह से कुछ आपको किस्तें बनेंगी, आप चाहो तो इसका जो है स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हो, बहुत से भाई बोलते हैं भाई ओके। और ये मैं आपको कैलकुलेट भी करके दिखा दूंगा कि कितनी आपको महंगी पड़ेगी बाइक। और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा आपका, 2 ब्लैंक चेक लगेंगे, 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगेगी, लास्ट 3 मंथ की होती है। मान लो आपको जनवरी 2023 में बाइक लेनी है तो आपको अक्टूबर 2022, नवंबर 2022 और दिसंबर 2022 की जो आपकी ट्रांजैक्शन है बैंक के अंदर वो जो है आपको प्रिंट करवा के लेके जानी पड़ेगी, आपकी पासबुक जो होती है वो ओके। तो वो लगती है यहाँ पे। और इलेक्ट्रिसिटी या वाटर का बिल चाहिए, ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपके फादर के नाम पे है तो भी हो जाता है लोन, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 2 आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और अगर ये ऑप्शन है अगर आप ITR या सैलरी स्लिप है आपके पास तो और भी अच्छी बात है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह के जो हैं आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मैंने बहुत पहले बनवाया था भाई, लेकिन मैं हर बार उससे पूछता हूँ तो वो बोलता है भाई डॉक्यूमेंट्स आपके यही लगेंगे, ठीक है, यही रहेंगे जो हैं पहले थे। और ये आपकी जो है EMI वगैरह होगी, तो इन दोनों का भी अगर आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो यहाँ से जो है साथ में ले सकते हो ओके। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरफ का भी, आप देख सकते हो। अब मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, तो मिनिमम डाउन पेमेंट के साथ मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊँ या मिडिल डाउन पेमेंट के साथ करके दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए ये डाउन पेमेंट है, आप मैं दिखा देता हूँ आपको, तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेटर में ओपन कर लेता हूँ दूसरे फ़ोन में। तो यहाँ पे अगर आप मान लो ये बाइक जो है 3 साल के लिए किस्तों पे लेते हो, मैं यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो 6,220 रुपये की जो आपकी किस्तें बनेंगी, 6,220 रुपये की जो है आपकी 36 किस्तें बनेंगी, तो हम इसको 36 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा आ गया कुछ इतना अमाउंट निकल के ओके। ये तो आपने किस्तों में भर दिए पैसे, अब डाउन पेमेंट भी आपने शुरू में देनी है 75,400 रुपये की, तो ये वो भी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, 75,400 रुपये जो है हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो ये हमने ऐड कर दी। प्लस यहाँ पे मैंने आपको बताया था फाइल चार्ज लगेगा 3,000 रुपये का, वो आपको जो है शुरू में डाउन पेमेंट के साथ ही देना पड़ेगा, ये मैं यहीं पर मैंशन कर देता हूँ। तो 78,400 रुपये आपको शुरू में देने पड़ेंगे, तो प्लस में 3,000 रुपीज़ आपके जो है फाइल चार्ज हो गए यहाँ पे ओके। तो ये कुछ आपको जो है अमाउंट पे करना है वही निकल के आ गया, 3,02,320 रुपये जो है आप लगभग जो है पे करोगे, तो लगभग 52,000 रुपये के आसपास आपकी बाइक जो है महंगी पड़ेगी, क्योंकि जो यहाँ पे कैश में जो इसका प्राइस है बाइक का वो यहाँ पे लिखा गया है फिलहाल वो ये है 2,49,770 रुपये, हम माइनस कर देते हैं तो 2,49,770 रुपये हम यहाँ पे जो है माइनस कर देते हैं, तो लगभग ये आपका अमाउंट जो है निकल के आया है 52,550 रुपये में जो आपको महंगी पड़ेगी बाइक इतनी, ठीक है ना। तो ये कुछ अमाउंट है जो आपको महंगा पड़ेगा अगर आप 3 साल के लिए किस्तों पर लेते हो बाइक को, और 75,400 रुपये की जो है आप डाउन पेमेंट करते हो। तो इस तरह से आप जो है किसी भी EMI ऑप्शन के अपने अनुसार जो है निकाल सकते हो कि कितनी आपको बाइक महंगी पड़ेगी
ओके, तो यही था हमारा लोन एंड ईएमआई के बारे में, सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 के बारे में। फिर भी कुछ रह गया हो स्टीथ ब्लैक का ये, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। आज वीडियो में इतना ही था, थैंक यू।